हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है, हमारी कैट खुश है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस गो एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट, आईज ब्लिंकिंग। आप देखेंगे कभी भी आप आपकी कैट से बात करते हो तो आपकी कैट कुछ इस तरीके से ब्लिंक करती है। दैट मीन शी इज़ हैप्पी और वो आपको बहुत अच्छे से समझती है। तो ये एक पहला साइन है कि आपकी कैट आपसे खुश है। सेकेंड, हैप्पी टेल। जब भी आपकी कैट आपको इस तरीके से वेलकम करेगी, आपके पूरे पैर पे रोल करेगी, ये एक बहुत अच्छा साइन होता है कि आपकी कैट आपसे बहुत खुश है और वो आपका वेट कर रही, वो बहुत ज़्यादा खुश है। सो ये सेकेंड साइन है, जब भी कैट आपकी आपको इस तरीके से ट्रीट करे तो आप समझ जाइए कि वो आपसे बहुत खुश है और उसको जल्द से जल्द ट्रीट्स दे दीजिए। थर्ड साइन, इन्जॉइंग बेली रब्स। आपकी कैट जब भी इस तरीके से ज़मीन पर लेट जाए और आपको इस तरीके से ट्रीट करने बोले और जब आप उसकी बेली को रब करें और वो बहुत इन्जॉय करे, ये भी एक साइन है कि आपकी कैट बहुत ज़्यादा खुश है, एक्टिव है और प्लेफुल है। इस तरीके से आप आपकी कैट को बहुत ज़्यादा खुश रख सकते हो। मेक श्योर कि आप उसको हमेशा ज़्यादा अटेंशन दे, बहुत ज़्यादा प्यार दे, तब जाके आपकी कैट ज़्यादा एक्टिव और खुश रहेगी। फोर्थ, इंजॉइंग ट्रीट्स। आप देखोगे आपकी कैट कोई भी कोने में हो बट जब भी आप उसको कहोगे कि हम लोग ट्रीट आपको देने वाले हैं और वो दौड़ दौड़ के आपके पास है, ये एक साइन होता है कैट्स का एक्टिवनेस का और प्लेफुल मोड का। जब भी आपकी कैट इस तरीके से आए आपके पास जल्दी, तो समझ जाइए कि आपकी कैट बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा हैप्पी है। दिन में थोड़ा बहुत टाइम अगर आप आपकी कैट के लिए निकालोगे तो आपकी कैट कभी भी डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं आएगी। ये बहुत अच्छा टाइम होता है आपकी कंपेनियन से अपने बॉन्डिंग करना। सो मेक श्योर, एक कैट को खुश रखने के लिए उसके साथ बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। दिन भर से कुछ वक्त आप उसके लिए निकालिए और उसको बहुत सारा अटेंशन और बहुत सारा प्यार दीजिए। फिफ्थ, प्लेफुल बिहेवियर। अगर आपकी कैट इस तरीके से ही खेलती है, इस तरीके से ही एक्टिव है, दैट मीन्स कि आपकी कैट बहुत ज़्यादा ही खुश है। ये एक साइन होता है कैट का अपने साथ खेलने का, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का। तो मेक श्योर कि आप आपकी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम दें और उनके साथ एक्टिविटी में आप भी रहे ताकि वो लोग भी खुश रहे और उन लोगों को भी पता रहे कि यहाँ पे हमारे साथ कोई ना कोई है खेलने वाला। सो इसी तरीके से आपको आपकी कैट की एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है। हर वो पॉसिबल चीज़ कीजिए जो आपकी कैट को खुश रखे। ट्रीट्स खिलाइए, न्यू टॉयज़ खरीदिए। यस, कैट्स थोड़े से नखरेले होते हैं बट अगर आप उनको न्यू एक्टिविटी में डालते रहेंगे तो वो कैट भी एक्टिव रहेंगे और उन्हें पता रहेगा उनका टाइमिंग क्या है। तो आप दिन भर में आपका टाइम निकाल के प्लीज़ आप आपकी कैट्स के साथ टाइम स्पेंड की और कैट्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यार पसंद है, ये जल्दी जेलसी में आती है। तो प्लीज़ अगर आपके पास एक से दो कैट है तो दोनों को बराबर तरीके का अटेंशन दीजिए, बराबर प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।